और आयुर्वेद चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ये पौधा जो आप देख रहे हो ये दूधी का पौधा है, इसे बड़ी दूधी भी कहा जाता है। ये एक छोटा सा झाड़ी नुमा पौधा है जो वर्षा ऋतु में उगता है। इसके कांड हल्के चौपाल होते हैं, इसके पत्ते हल्के पीताब हरे रंग के होते हैं, इसके पत्ते तिरछे और दंतुर होते हैं, इनके फूल गांठों पर होते हैं, इन्हें तोड़ने पर दूध जैसा स्राव होता है। इनका स्वाद तिक्त होता है, इसमें तमाम तरह के रासायनिक संगठन पाए जाते हैं, एलर्जिक अम्ल, ट्राइसेंटेन, फालोनिक पदार्थ, यूफोस्टीराल, फाइटोस्टीराल, गैलिक, गैलेस्किक, पामिटिक, लेमोनिक अम्ल, क्लोरोफिल, राल, टैनिन, शर्करा आदि पाए जाते हैं। इनका प्रयोग बच्चों के आंत क्रीम में, स्तनपान कराती महिलाओं में जब दूध की कमी हो जाए या दूध आना बंद हो जाए, श्वास रोग में, उदर सूल, पेचिस जिसमें रक्त के साथ आंव आता हो, इनके दूध का उपयोग मुंह पर होने वाले चर्म कीलों तथा दाद में किया जाता है। उल्टी रोकने पर इनके जड़ का प्रयोग होता है। दांतों में कीड़े लगे हों तो इनके मूल को दांतों के नीचे रखकर दबाना चाहिए और उसे दांत से कस कस कर चबाना चाहिए ताकि दांतों में लगे कीड़े नष्ट हो जाते हैं। श्वास रोग में इसके 10-12 पत्ते का रस निकालकर उसमें मधु मिलाकर पिलाने से बड़े आसानी से कफ बाहर निकल जाता है और श्वास रोग ठीक होता है। खूनी बवासीर में इनके पंचांग के रस में मधु मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन कराने से बवासीर के मस्से खत्म हो जाते हैं। इनके पत्रों का स्वरस तथा कनेर के पत्तों का स्वरस मिलाकर सिर के गंजेपन दूर करने के लिए लगाने से सिर का गंजापन दूर होता है तथा बाल सफेद होना बंद हो जाता है। इनकी मात्रा है पंचांग का स्वरस 10 से 20 बूंद, सूखा चूर्ण 2 से 4 चम्मच, 2 से 4 मिलीग्राम, अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल वाले बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।